आज इंडिया के अंदर मोटोरोला ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, मोटो G31। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों 4G है, 5G नहीं है। अच्छी बात है कि 5G से हटके काम किया गया है, एक पुराना प्रोसेसर यूज किया गया है, डिस्प्ले को काफ़ी इंप्रूव किया गया है। कहने का मतलब है कि एक अच्छी प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अग्रेसिव फीचर्स के साथ में मोटो G31 लॉन्च हुआ है। अब ऐसे के अंदर है ना, मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से और आज की डेट के अंदर भी शाओमी का रेडमी नोट 10 प्रो काफ़ी अच्छी जगह बना के मार्केट में बैठा है। थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, लेकिन मिलता है तो बहुत ही बेहतर डिमांड के साथ मिलता है। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि मोटो G31 या फिर रेडमी नोट 10 प्रो, दोनों में से अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, गेमिंग की, परफॉर्मेंस की, कैमरा की, बैटरी बैकअप की, और आज की डेट के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेने की, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरु जी में। अगर आप इसी तरह की और वीडियो को देखना चाहते हैं, अनबॉक्सिंग, गिव अवे, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले बात आती है बिल्ड क्वालिटी की। मोटो G31 ये दोस्तों काफ़ी हैंडी है और लाइट वेट है, 180 ग्राम का, 8.45 mm थिन भी है। प्लास्टिक की दोस्तों यहाँ पर कर्व करके ना आपको एक बैक मिलता है, यानी कि जो फ्रेम है और जो बैक है वो दोनों एक साथ यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके बनाए गए हैं। प्लास्टिक है और मैट फिनिशिंग है, टेक्स्चर है, आवाज़ आती है टेक्स्चर वाली, इस तरीके से आपको मोटो G31 मिलता है। बैक माउंटेड यानी कि जो रियर माउंटेड हम कहते हैं ना, वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इन डिस्प्ले या फिर साइड माउंटेड नहीं है। रेडमी की बात की जाए तो मैंने आपको जब इसका ज़माना था तब मैंने आपको रेडमी नोट 10 की, प्रो की, मैक्स की काफ़ी वीडियोस दी थी, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पुट ऑन कर दूंगा। ये भी दोस्तों एक कह सकते हैं कि हैंडी है, थोड़ा सा भारी है, 194-195 ग्राम के आसपास आता है, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो थिन भी है, 8.1। यहाँ पर जो मोटो है वो आता है 8.45 और जो रेडमी है वो आता है 8.1 mm थिन के साथ में। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि पर्सनली काफ़ी लोगों को पसंद आता है कि भाई साइड माउंटेड हमें अच्छा लगता है। ये है दोनों की बिल्ड क्वालिटी। अब जो रेडमी है वो हमें पता है थोड़ा एडिशनल हमें फीचर्स देता है, जैसे कि IR ब्लास्टर वगैरह, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो मोटो G31 यहाँ पर आपको मिलती है 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED की डिस्प्ले, 60Hz की रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, एक नई प्रोटेक्शन है, नाम दिया गया है पांडा। और राइट, यहाँ पर दोस्तों HDR कितना है या फिर टच सैम्पलिंग रेट कितनी है, HDR 10 प्लस है या नहीं है, ये सब कुछ कंपनी ने नहीं बताया है आपको, किसी भी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जहाँ पर इनके टीजर्स चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हाँ, 700 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस पीक मिलती है मैक्सिमम। ये है कंप्लीट डिस्प्ले। रेडमी की बात की जाए यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED 120Hz के साथ में, गोला ग्लास 5 है, HDR 10 प्लस है, 1200 nits ब्राइटनेस पीक है और 240Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। यानी कि कंपेरेटिवली देखा जाए ना तो रेडमी नोट 10 प्रो की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन दोस्तों प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो मोटो G31 है वो लगभग 13,000 रुपये की रेंज में आपको AMOLED डिस्प्ले देता है, 60Hz के साथ में, 700 जो ब्राइटनेस पीक है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो नोट 10 प्रो है वो थोड़ा सा महंगा है, 18,000 तक इसकी रेंज चली जाती है स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में देखते हैं तो। बजट के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो 13,000 रुपये की रेंज के अंदर मोटो ने अच्छा काम किया है और आपको काफ़ी सफिशियंट डिस्प्ले मिलती है। ऐसी बात नहीं कि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, सुपर AMOLED या फिर AMOLED के साथ में 60Hz थम्स अप सफिशियंट। अगर आपसे बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, परफॉर्मेंस की, गेमिंग वगैरह की, तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रोसेसर है दोस्तों, जो मोटो है G31, यहाँ पर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड वापस से मिला है, मैंने बोला ना पुराना प्रोसेसर मिला है, MediaTek Helio G85। यहाँ पर दो वेरिएंट है, 464, 6128 LPDDR4X RAM, और जो स्टोरेज टाइप है दोस्तों वो है EMCP। EMCP की बात की जाए ना तो ये UFS से थोड़ा सा कम होता है और EMMC से ऊपर होता है, यानी कि दोनों के एक तरह से बीच का है, मीडियम है, इसे आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मोटो है ना, ये मुझे रेडमी से बेहतर कुछ इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको नीट एंड
क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कोई तरह के ऐड नहीं है, कोई तरह का ब्लॉटवेयर नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन, तो ऐड वगैरह आने के कोई भी चांसेस नहीं है। एंटू बेंचमार्क लगभग आता है 2,25,000 का, और यहाँ पर आप है ना मतलब HD हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। Redmi Note 10 Pro की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 732G। इसके मैंने आपको जब भी ये फ़ोन आया था ना, लॉन्च हुआ था, मैंने आपको इसकी वीडियो दी थी। इसके अलावा जो Poco X3 जो Pro वगैरह था उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेसर था, उसकी मैंने आपको वीडियो दी थी। यहाँ पर भी आप गेमिंग अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन एंटीटू बेंचमार्क इसे काफ़ी एक तरह से घपलेबाजी वाला बताता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी तो ये कहती है कि भाई हमारा जो एंटीटू बेंचमार्क है वो 3,00,000 के ऊपर आता है, लेकिन जब इसे हम रियल स्मार्टफोन के अंदर निकालते हैं तो ये लगभग 2,30,000 तक सिमट के रह जाता है। तीन वेरिएंट है, 664, 6128, 8128, और इसका जो लोअर वेरिएंट है दोस्तों मिलता नहीं है, अपर वेरिएंट से आपको खरीदने पड़ते हैं। और यहाँ पर LPDDR4 XRAM और UFS 2.2 के साथ मिलता है, गेमिंग एक्सपीरियंस परफेक्ट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से जो Redmi है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटवेयर ऐड वगैरह देखने को मिलते हैं नोटिफिकेशंस के अंदर, पॉपअप की फॉर्म के अंदर, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा कवर किया गया है मोटो के अंदर। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपीरियंस को बहुत ही हद तक नीट एंड क्लीन एनहेंस कर देता है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप एड्स के साथ सर्वाइव कर सकते हैं या फिर आपको नीट एंड क्लीन जो मोटो है वो आपको लेना चाहिए। कैमरा की बात की जाए तो मोटो G31 यहाँ पर दोस्तों वैसे तो ना ट्रिपल कैमरा है, लेकिन कंपनी जो है वो हाईलाइट कर रही है क्वाड ऑपरेशन को, यानी कि तीन कैमरा से चार काम करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, और इसी अल्ट्रा वाइड से डेप्थ सेंसर का भी काम करवा लिया जाएगा। अच्छी बात है ना, 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर यहाँ पे रिमूव करवा दिए गए हैं। 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मैक्रो सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा ऐप है वो काफ़ी हद तक भर गई है। यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट पे इसके जो टीजर्स है वो मैंने चेक किए हैं, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डुअल कैप्चर मोड है, सिनेमा ग्राफिक्स है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को अगर मोशन करवाना है किसी ऑब्जेक्ट को वो आप करवा पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो कैमरा ऐप है वो काफ़ी हद तक स्मूथ और बहुत ही फीचर्स वाली कर दी गई है। अब फ़ोन आने दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा एक्चुअल के अंदर की क्वालिटी कैसी है। ऑन पेपर कैमरा स्पेक्स कुछ ऐसी है। Redmi Note 10 Pro के अंदर कैमरा की बात की जाए तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में रिव्यू के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा अगर आप पर्टिकुलर एक वीडियो देखना चाहते हैं इसके कैमरा वगैरह के बारे के अंदर या फिर एक कंप्लीट रिव्यू के अंदर। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो कि सैमसंग का है, बाकी अल्ट्रा वाइड है, 8 का, 5 का, मैक्रो, डेप्थ वगैरह के सेंसर यहाँ पे मिलते हैं, सेल्फी कैमरा वगैरह काफ़ी ओके है। यहाँ पर दोस्तों जो फोटोग्राफी है ना वो थोड़ी सी शार्प आती है, जो कि अच्छी बात है, सॉफ्ट नहीं आनी चाहिए, शार्प आनी चाहिए। और मोटो की बात की जाए तो मैंने मोटोरोला के जो स्मार्टफोन अभी तक जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं आपको वीडियो भी चैनल पर मिली है, क्योंकि मोटो के फ़ोन मेरे पास में थोड़ा लेट आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो फोटोग्राफी है वो अच्छी मिलती है। बाकी ऑन पेपर की बात है दोस्तों, सीधी सी बात है, जब भी आएगा आपको एक पर्टिकुलर कैमरा की वीडियो देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बैटरी एंड चार्जिंग की बात की जाए तो मोटो के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, इन द बॉक्स आपको 20W की चार्जिंग मिलती है, और लगभग 1.5 से 2 दिन आपकी बैटरी कहीं नहीं जाने वाली है। डिस्प्ले का साइज छोटा है, बैटरी काफ़ी बड़ी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी हद तक जो बैटरी है वो इफिशियंसी आपकी बना देगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं Redmi की, यहाँ पर भी 5020 mAh की बैटरी है, 33W की चार्जिंग है, यहाँ पर बैटरी आपका एक दिन या फिर हो सकता है कि अगली मॉर्निंग तक निकाल दे, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो बड़ी है, बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी बैटरी साइज दोनों का सेम है। लेकिन कंपेयर वीडियो है, और अगर देखिए मैं आपसे बात करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, एक तो ऐसा होता है कि हाँ मेरा बजट है तो आप देखिए आप एक अच्छा स्मार्टफोन लीजिए Redmi Note 10 Pro अगर आपका बजट है। लेकिन अगर आपके पास में बजट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बजट बढ़ाया जाए, तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी Redmi की बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लास मिलता है ना, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखने के अंदर भी थोड़ा सा प्रीमियम लगता है।
डिस्प्ले की बात की जाए तो 13,000-15,000 की रेंज के अंदर मोटो के अंदर आपको एक सफिशियंट डिस्प्ले मिलती है जो कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करने वाली है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आपसे बात करता हूँ प्रोसेसर की, हेलियो G85 की, ये सफिशियंट है। एंटीटू बेंचमार्क के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है रेडमी वाले के अंदर, स्नैपड्रैगन 732G के अंदर हीटिंग इशू वगैरह आपको नहीं मिलने वाले हैं, नॉर्मल जो मिलता है वही मिलेगा। मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया है, उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा के अंदर आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर रेडमी का बता दूँ तो फोटो काफ़ी यहाँ पर शार्प आती है। ऑलराइट, बैटरी वगैरह दोनों की लगभग सेम है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और कैमरा थोड़ा सा बेहतर चाहिए तो आप ज़्यादा पैसे लगा के रेडमी का जो नोट 10 प्रो है वो ले सकते हैं अगर मिल जाए तो। उसके अलावा अगर आपका बजट टाइट है और अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो आप मोटो G31 लीजिए। ज़्यादा पैसे का जुगाड़ करने की ज़रूरत किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं है, आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों दोनों फ़ोन के अंदर कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आपको मेरी तरफ से वहाँ पर 101% रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।